सरायकेला जिले के जाने माने उद्योग घराने में चर्चित बेवको टोयोटा का शोरूम आज किसी नाम का मोहताज नहीं है। जी हां, जिले का ये बेवको टोयोटा शोरूम इन दिनों टोयोटा की नई रेंज अर्बन क्रूजर की नई मॉडल चार पहिया वाहन की नई रेंज के लिए खासा चर्चा में है। आइए जानते हैं क्या है इस अर्बन क्रूजर की खासियत। नमस्कार, जोहार, मैं सुनील कुमार सरायकेला गम्हरिया से। आज हम खड़े हैं टोयोटा गम्हरिया के टोयोटा शोरूम में। बेवको टोयोटा शोरूम के नाम से प्रसिद्ध है ये शोरूम। बताते चलते हैं कि इस कंपनी में एक टोयोटा कंपनी की गाड़ी आई है अर्बन क्रूजर नाम से। ये अर्बन क्रूजर नाम की जो गाड़ी है ये अपने आप में काफ़ी खासियत रखती है और बहुत ही बेमिसाल गाड़ियों में से एक है। एक्सयूवी का ही एक रेंज है, लेकिन आम लोगों के लिए ये गाड़ी बनाई है। कम कीमत में ये गाड़ी आम लोगों को मुहैया कराई जा सके। हम बात करेंगे इस गाड़ी की खूबियों के बारे में यहाँ के सेल्स मैनेजर विवेक कुमार से। क्या कहते हैं इस गाड़ी की खूबियों के बारे में, क्या है आम लोगों के लिए ये गाड़ी की खासियत और आम गाड़ियों से क्या हटकर इस गाड़ी में है। आइए बात करते हैं विवेक कुमार जी से, जो टोयोटा शोरूम के सेल्स मैनेजर हैं। हम खड़े हैं विवेक जी, जो टोयोटा शोरूम के सेल्स मैनेजर हैं। बात करते हैं ये अर्बन क्रूजर की खूबियों के बारे में, क्या कहना है इनका। जी विवेक जी, ये बताइए कि अर्बन क्रूजर जो गाड़ी आपके यहाँ शोरूम में आई है टोयोटा कंपनी की, क्या है ऐसी खासियत जो आम गाड़ियों से हटकर है। जी, इस त्यौहारी सीजन में टोयोटा ने नई गाड़ी लॉन्च की है, जैसा कि आप जानते हैं अर्बन क्रूजर के नाम से, पर हम लोग इसको जमशेदपुर में लॉन्च किए हैं मिनी फॉर्चूनर के नाम से। जैसा कि इसका फ्रंट लुक अगर आप देखेंगे काफ़ी मस्कुलर है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसका ग्रिल या इसका जो बोल्ट डिज़ाइन आप देखेंगे तो काफ़ी मस्कुलर है, ऑफ रोडिंग के लिए तो काफ़ी सॉलिड है गाड़ी। उसके अलावा सर इसमें कुछ खास बातें हैं। किसी गाड़ी से भी कंपैरिजन किया गया है इसका, कोई गाड़ी से भी इसको गिराया गया कि हाँ ये गाड़ी की अपेक्षा ये गाड़ी बढ़िया है। नहीं देखिए, ये कंपटीशन की वाली बात नहीं है। कंपटीशन तो आज के डेट में हर किसी को हर किसी से ही है, हर क्षेत्र में ही है। हमने इसको अलग लाया है मिनी फॉर्चूनर के नाम से। जैसे फॉर्चूनर का कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में एसयूवी में, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी इस रेंज में। इसमें कुछ खास बातें हैं जो इसको भीड़ से अलग करती है, जिसमें इसमें डबल लिथियम आयन बैटरी है जो जिससे आपकी गाड़ी का एवरेज काफ़ी ज़्यादा देता है। आपका 18.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगा इसमें आपका। इसमें आपका रियर आर्म रेस्ट विथ कप होल्डर है जो आपका कम्फर्ट और कन्वीनियंस को काफ़ी बढ़ाता है। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर है जो आपके और आपके परिवार के सेफ्टी को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें फ्रंट ग्रिल गार्ड फ्रंट जो हाँ बोलिए, हिंदुस्तान के लोग डिक्की खोजते हैं उसके बारे में क्या ख्याल है। बिल्कुल सही, आप जैसा कि जान रहे कि अभी जो मार्केट में है जो अभी कि एकल परिवार जिसको हम लोग सिंगल फैमिली बोलते हैं, कभी आउटडोर आपको जाना पड़ा, कभी टूर पे जाना पड़ा, 328 लीटर का बूट स्पेस है इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है इसमें आपका मतलब लंबी दूरी में जाने के लिए। चूहा काफ़ी परेशान करते हैं हिंदुस्तान में गाड़ियों में, तो इसको किस तरह से पैकिंग की है गाड़ी। बिल्कुल सही सवाल किया है, क्योंकि आपकी गाड़ी तो जापानी टेक्नोलॉजी से बनती है, विदेश में उतने दिक्कत नहीं होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इस तरह काफ़ी दिक्कतें आती हैं। गाड़ी में चूहा घुस जाता है, वायरिंग काटता है, सीट गार्ड काट दिया, या बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ पैदा करता है। इसके लिए कंपनी कुछ सोची है हिंदुस्तान में। बिल्कुल सही सवाल किया, और ये सवाल के ऊपर बहुत कम लोगों का ही ध्यान जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, जब से कोविड का ये जो अभी आया मार्केट में या फिर जो हमारे वातावरण में जो फैला इन्फेक्शन, इसको देखते हुए इसको इस डिज़ाइन में इसको प्रोटेक्ट किया गया कि किसी भी प्रकार का वायरस आपका अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा गाड़ी में, तो आप और आपकी फैमिली काफ़ी सेफ है इसमें आपका। माइलेज संबंधी क्या है। मैंने जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें डबल लिथियम आयन बैटरी है, तो उसमें आपका गाड़ी का एवरेज काफ़ी ज़्यादा है, 18.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है इसमें आपका। पेट्रोल इंजन है आपका, 1500 सीसी की गाड़ी है ये। इस गाड़ी में जो जो क्या बैग एक आता है जो सेफ्टी बैग, उसको हाँ 12 एयर बैग जो बोलते हैं, इसमें कहाँ कहाँ, पीछे आगे दोनों या फिर आगे। जैसे कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भारत सरकार ने जो मापदंड तय किया है उसके अनुरूप ही इस गाड़ी को डिजाइन किया गया है। डुअल फ्रंट एयर बैग है इसमें आपका, जो आपके सेफ्टी को काफ़ी इन्हांस करती है। और जो खासकर एक कैमरा संबंधी भी, जो लोग बाहर में बहुत सारे इंटीरियर लगाने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ
इसमें जो सेफ्टी संबंधी बात जो और कुछ एक्स्ट्रा जो अन्य गाड़ियों से हटकर है? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि इसमें टोयोटा सर सेफ्टी पे ही जानी जाती है, सेफ्टी, कंफर्ट और क्वालिटी, ये तीन चीज़ ही हमारा मेन पिलर है किसी भी गाड़ी को, टोयोटा की किसी भी गाड़ी को डिज़ाइन करने के लिए। तो काफ़ी सारा सेफ्टी फीचर्स है इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया डुअल एयरबैग है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, EBD है, एयरबैग है, उसके अलावा मल्टीपर्पस इसमें आपका बैक स्क्रीन भी है जिसमें आप रिवर्स कैमरा भी है, तो आप गाड़ी पार्क करते समय भी आपकी गाड़ी सेफ है। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर है, ड्यूरिंग रेनी सीजन आपको कहीं भी बाहर जाना पड़े तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। बाकी गाड़ियों से इसमें सबसे जो अलग खूबी है वो एक जरा बताएं, जो बाकी गाड़ी में नहीं मिलती है। इसका जो मस्कुलर लुक है आपका, ये इसको भीड़ से काफ़ी अलग करती है। उसके अलावा इसका जो सर्विस पार्ट्स है हमारा, वो आपको काफ़ी अलग करते हैं, जिससे टोयोटा जीरो मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है, आप सभी को पता होगा। उसके अलावा हमारा सर्विस है 60 मिनट्स का, आपका मेंटेनेंस एक्सप्रेस मेंटेनेंस है, तो ये सब चीज़ आपको गाड़ी को खास करती है, अलग बनाती है काफ़ी। विवेक जी ने जो बातें कही वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण बातें थी यहाँ के आम लोगों के लिए जो इस फोर व्हीलर के शौकिया लोग हैं। हम बता दें कि इस गाड़ी में जितनी खूबियाँ इन्होंने बताया और जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि बाकी गाड़ियों से इसकी लुक जो है और सेफ्टी के हिसाब से सिर्फ मैंने अलग दिखती है, अलग ही इसका अपना इम्प्रेशन है इस गाड़ी का, तो मैं सारे लोगों को ये कहना चाहता हूँ और हमारे ऑडियंस को भी ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप ज़रूर आएँ, इस गाड़ी को ज़रूर देखें और समझें, क्योंकि वाकई में ये गाड़ी एक अपने आप में खास बात रखती है। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस गाड़ी को इस शोरूम में आएँ, देखें, परखें और उसके बाद ख़रीद लें, क्योंकि बाकी गाड़ियों की अपेक्षा ये गाड़ी अपने आप में एक बेमिसाल गाड़ी मानी जा रही है, जैसा कि इस शोरूम के सेल्स मैनेजर विवेक कुमार ने बताया। फिलहाल कैमरामैन शुभम के साथ सुनील कुमार, टुडे एक्सप्रेस न्यूज, सरायकेला। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।